Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone. We all are living in a digital age, right? और डिजिटल एज के अंदर ना आपको सहूलत तो बहुत सारी होती है आपकी इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब फिजिकल डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह गया है राइट एंड द टर्म सिटीजन इट इज स्लोली बींग रिप्लेस विद द टर्म ने राइट ऐसी चीज के अंदर आपके लिए साइबर uh, सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के दो नए इनिशिएटिव्स आए हैं उन्होंने दो नई चीजें लॉन्च करी हैं दो नए पोर्टल दो नई फैसिलिटीज जो है वो लॉन्च की गई है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग संचार पोर्टल के ऊपर संचार साथी पोर्टल के ऊपर राइट उसी के ऊपर दो एडिशनल सर्विसेज ऐड हुई हैं कॉन्टेक्स्ट इसका यही है बच्चे कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक एवर ग्रोइंग एंड एवर लास्टिंग चैलेंज है जब तक आप एक वायर्स के थ्रू या फिर आप वायरलेसली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो डिज के थ्रू तब तक उन डिवाइसिस के ऊपर आपकी कॉम्युनिकेशन का खतरा बना रहेगा राइट साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट उसके ऊपर बना रहेगा तो इस टाइप की चीज जब भी आती है तो उसको यूपीएससी बहुत गौर से देखता है वो नहीं जाने देता इस पर्टिकुलर को। इस पर्टिकुलर टॉपिक 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 को को तवज्जो दी जाती है कि क्या इसकी डिटेल्स हैं एंड इन पे क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं चाहे वो यूपीएससी आपका सिविल सर्विसेज में हो या यूपीएससी जो बाकी कंडक्ट करता है उसमें हो स्टेट एग्जाम्स के अंदर भी वो चीज आपको आती हुई दिख जाती है राइट तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के राउंड रिवॉल्व करता है तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डी और आपका चक्षु फैसिलिटी ये दो चीजें लॉन्च हुई हैं इन दोनों चीजों में मतलब बहुत स्लाइट सा फर्क है फर्क तो वैसे काफी है स्लाइट सा फर्क ये है कि एक इज ओनली फॉर द स्टेक होल्डर्स राइट जिसके अंदर कस्टमर्स नहीं आते हैं उस स्टेक होल्डर के अंदर चक्षु फैसिलिटी एवरी वन केन यूज इट है ना चक्षु फैसिलिटी वो चक्षु सबके पास होने चाहिए है ना तो वो आप सबके पास में हो जाएगा ये इन दोनों का की डिफरेंस है क्या चीज है ये क्या करने वाला है वो हम बच्चे भी देख लेते हैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल इट हैज बीन बाय मिनिस्ट्री जो आपका संचार साथी पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ के अंडर है राइट और द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन एब्रीवेटेड डीओटी अगर आप कहीं पे भी डीओटी देखोगे जैसे यहाँ पे इट मीन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन इज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है हेंस तभी वो मिनिस्ट्री है आइए बच्चे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इसके बारे में देखते हैं इट सर्व एज ए सिक्योर ये देखिए बच्चे एंड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चे ये यूपीएससी पूछ लेते इतना इंपॉर्टेंट नहीं ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म बनाया था सिक्योर तो होगा ही रियल टाइम इज इंपॉर्टेंट रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कोऑर्डिनेशन अमंग्स वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इंक्लूड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एस पी लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी इसके अलावा बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये देखिए बच्चे इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में आएगा कि डी जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्टेक होल्डर्स यूज कर सकते हैं बाकी लोग नहीं यूज कर सकते तो सोशल मीडिया उसके स्टेक होल्डर में आता है या नहीं तो ये कंफ्यूजन का पॉइंट बन सकता है आपका तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है बच्चे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड है इसके अंदर एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटीज तो एक सिक्योर यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जो कि रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा आपकी इन सारे स्टेक uh, होल्डर्स के बीच में अगेन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोमिकेशन द पोर्टल आल्सो इंक्लूड डिटेल्स ऑफ ऑफ केसेस आइडेंटिफाइड एज टेलीकॉम इन्क्लूड द शेयर्ड इंफॉर्मेशन में बेनिफिट स्टेक होल्डर्स इट ऑल्सो फंक्शन एज अ बैक एंड स्टोरेज सिस्टम फॉर रिक्वेस्ट इनिशिएटेड सिटीजन ऑन द संचार साथी पोर्टल विथ स्टेक होल्डर्स कैन एक्ट अपॉन इसके अलावा डी आईपी इज अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स थ्रू सिक्योर कनेक्शन और इसको जो है, जो है 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 उसको भी साथ में में किया हुआ यही था ये चीज़ सबसे ठीक बच्चे ये आपने ध्यान में रखना है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का एक्सेस सिटीजन्स के पास में नहीं है हाउ एवर जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज चक्षु प्लेटफॉर्म इसके ऊपर सिटीजेंस का एक्सेस पूरा है एक्सक्यूज <coughs> गवर्नमेंट लॉन्चेज दक्षु पोर्टल ऑन संचार साथी पोर्टल टू अलाव सिटी टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड साइबर और टेलीकोम्युनिकेशन फ्रॉड ठीक है जी तो इस रिपोर्ट को अगर स्टेक होल्डर्स ने एक्सेस करना है तो वो अपने डीआईपी से कर सकते हैं आप जहां जाके इस चीज को पोस्ट कर सकते हैं कंप्लेट दे सकते दैट इज योर चक्षु पोर्टल राइट ये गवर्नेंस का टॉपिक बनेगा बच्चे और गवर्नेंस से लगभग चार या इंडिरेक्ट्ली, इंडिरेक्ट्ली पांच क्वेश्चन ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आठ के करीब डायरेक्टली चार गवर्नेंस से देखने को मिल जाते हैं राइट और जब भी हमने देखा गवर्नेंस से क्वेश्चन आया तो वो बहुत डिटेल डीप में जाके क्वेश्चन आता है राइट हेंस हमको इस इस टाइप के टॉपिक को हालांकि ये देखने में बहुत ट्रिवियल लगता है कि यार अनइंपॉर्टेंट सा है बट ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं एग्जाम के अंदर एज इट इज और डिटेल में ही आते हैं द चक्षु फीचर इज एडेड टू द संचार साथी

जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी जिम में गए हो विजिट करने है ना और कि देखने जाते हैं जिम कैसा बना हुआ है और वहां पे अपने नंबर वगैरह लिखवा दिया तो उनके पास में महीने के एंड में हजार लोगों का डाटा इकट्ठा हो गया तो वो हजार लोगों का डाटा दूसरे जिम वाले को बेच सकते हैं कि यार कॉल कर लो आप इनको है ना सेलिंग के लिए तो ये आपका डाटा लीक हो गया नंबर लीक हो गया है, है ना आपका डाटा बिक गया तो ये अलाउड नहीं है पर यह होता है

This 7-minute to-the-point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024